Assalamu alaikum and a very warm welcome at UXL Training Platform, जिसके research partner है Knowledge Tower. मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है और आज हम attend करेंगे financial modeling and analysis fundamental की demo को और इसमें हम discuss करेंगे कि 2024 क्योंकि दो नया साल एक start हो चुका है तो नए साल में हम क्या क्या updates लेकर आ गए हैं अपने course में और जो है वो हम क्या क्या नई techniques लेकर आए हैं जो कि आपके skills में इजाफा करेंगी और आपको relevant टू द इंडस्ट्री रखेंगी बिकॉज इंडस्ट्री की डिमांड तो चेंज होती जा रही है. क्या हम अपने आप को स्किल वाइज अपडेट कर रहे हैं? दैट इज द मेन क्वेश्चन. तो हमने बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट न्यू अपडेट्स लेकर आ गए हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग में जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है और आपको जो है वो आपकी जो जो वर्किंग है एफिशिएंसी उस पे और भी इजाफा लेकर आएगी. तो आज जानते हैं अबाउट द एजेंडा ऑफ टुडेज सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सेलेंट करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दैट आर लाइंग अहेड वंस यू कंप्लीट फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस ट्रेनिंग. Then we'll be discussing about the learning outcomes. Furthermore, we'll be discussing about the course content video previews. कि जो जो चैप्टर्स हम कवर कर रहे हैं मॉड्यूल्स कवर कर रहे हैं फाइनेंशियल मॉडल में उस मॉड्यूल्स की एक्चुअल वीडियो प्रीव्यूज दिखाएंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि भाई इन टॉपिक्स में क्या क्या कवर किया जाएगा. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट UXL ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म. देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कोर्स फैसिलिटेटर प्रोफाइल के ट्रेनर प्रोफाइल क्या है, मुझे पढ़ाएगा कौन, उसकी प्रोफाइल क्या है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे. देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एक्सक्लूसिव फीचर्स विद LMS पोर्टल एक्सेस, व्हिच मींस के ये जो सेशंस हैं जो आपको जो प्रोवाइड की जाएंगे इसमें वैल्यू एडेड सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं जिसमें हम आपको रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड करेंगे, उस फीचर के बारे में डिस्कस किया जाएगा. प्रोग्राम शेड्यूल के बारे में डिस्कस किया जाएगा और फाइनली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसके लिए आज आप बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं वो है फी इन्वेस्टमेंट विद स्पेशल ऑफर. सो डू स्टे ट्यून्ड फॉर दिस कंप्लीट डेमो बिकॉज टुवर्ड्स द एंड ऑफ डेमो आपके लिए एक स्पेशल ऑफर भी की जाएगी जिसमें आप जो है जिसका फायदा लेते हुए आप अपने कुछ पैसे मनी भी सेव कर सकते हैं एट द सेम टाइम अपने स्किल को भी ग्रो कर सकते हैं. ऑलराइट, सो नाउ लेट अस गो थ्रू द इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कसिंग अबाउट द फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस के उसके जो है वो क्या एलिमेंट्स हैं. बेसिकली देर आर फोर एलिमेंट्स ऑफ एनी फाइनेंशियल मॉडल. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द पैरामीटर्स कि हम क्या पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर फाइनेंशियल मॉडल को बिल्ड करें. देन वी बी डिस्कसिंग अबाउट द डिसीशन, जो भी पैरामीटर्स हमने सेट किए हैं उन पैरामीटर्स के ऊपर क्या क्या फंक्शन क्या क्या डिसीशन है जो हमें लेने. देन वी बी डिस्कसिंग अबाउट द कैलकुलेशन कि उन पैरामीटर्स के ऊपर जो आपने जो जो आपने बनाए हुए हैं उनके ऊपर जो डिसीशंस लेने उनके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस ऑफ की जाएंगी अप्लाई, यहाँ पे फाइनेंशियल मॉडल की जरूरत पड़ती है. उसके बाद फिर फाइनली एक जो है वो आउटपुट बनता है जिसमें आप जो है वो उस फाइनेंशियल मॉडल की रिजल्ट देखते हैं. अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं बिकॉज ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं के मिसाल के तौर पे आपका ऑलरेडी एक जो है वो एक बिजनेस है जो कि आप रन कर रहे हैं और उसमें जो है वो आप जो है वो सप्लाई करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स. ठीक है, अब फार्मेसी का एक बिजनेस है तो आपको अगर आपने वो बिजनेस चैनलाइज किया हुआ है कराची में और आप अब बिजनेस एक्सपेंड करके लाहौर में भी खोलना चाह रहे हैं उसकी ब्रांचेस या उसके नेटवर्क को आगे एक्सपेंड कर रहे हैं ताकि आपकी ग्रोथ बिजनेस की ग्रोथ हो सके. तो यहां पे एक बिल्कुल सिंपलिस्टिक एग्जांपल दे रहे हैं कि आपको पहले तो कुछ पैरामीटर्स अपने सेट करने होंगे कि लाहौर में जाके उसके बाद क्या 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 वहां पे जो जाहिर आप एक रेंट पे प्रीमिसेस लेंगे वहां पे जो स्टाफ होगी उसकी कॉस्ट होगी वहां पे जो मटेरियल्स आएंगे उसकी सप्लाई चेन से रिलेटेड कुछ कॉस्ट होंगी. आपके कुछ पैरामीटर्स होंगे उनके ऊपर आप डिसीशंस कुछ लेंगे कि हाँ एटलीस्ट 2 years या 3 years टाइम में मैं ब्रेक इवन में पहुंच जाऊं. मिसाल के तौर पे कुछ आपके डिसीशंस होंगे कि भाई ये पैरामीटर उनके डिसीशंस और पैरामीटर्स के
बेसिस पर आप कुछ कैलकुलेशंस अप्लाई करेंगे कि भाई सिनेरियो ए, अगर मैं मिसाल के तौर पे लाहौर में डिफेंस वाली जगह पे खोलता हूं तो वहां का रेंट कोई होगा वो डिफरेंट होगा, या इंडस्ट्रियल जोन है वहां पे अलग रेंट होगा या अलग फे... तो ऐसे डिफरेंट आपके पैरामीटर्स और सिनेरियोज बने हुए, उन सिनेरियोज पे आपको कैलकुलेशन अप्लाई करनी है, सिनेरियो ए, सिनेरियो बी, सिनेरियो सी मिसाल के तौर पे, और जो अल्टीमेट आउटपुट होगा वो आपको देखना है कि क्या आपके उस डिसीजन से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, या आपको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कितना जल्दी मिल जाएगा कौन से सिनेरियो में। तो इसी तरीके से हम इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजन ले रहे होते हैं, इसी तरीके से हम रिस्क एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो ये जो कैलकुलेशंस है, पैरामीटर्स है, डिसीजंस है, आउटपुट, ये हर डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट अप्लाई हो रहा होता है। लेकिन बुनियादी मकसद यही होता है एक फाइनेंशियल मॉडल का कि आपको डिफरेंट सिनेरियोज के बेसिस पर कैलकुलेशन अप्लाई करके दे और फिर आप एक आउटपुट देखें और उसमें से एक बेस्ट डिसीजन ले सके जो कि आपकी बिजनेस के लिए सूटेबल हो। अब ये बैंकिंग अप्लाई हो सकता है, आप अगर अपने पर्सनल बिजनेस है उसको एक्सपेंड करें तो उसमें भी फाइनेंस ऑफिसर्स होते हैं या फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं जो आपको सिनेरियो बना के दे रहे होते हैं। तो इस तरीके से हम फाइनेंशियल मॉडल, तो मकसद कहने का यह है कि फाइनेंशियल मॉडल जब भी आपके माइंड में आए तो इन चार चीजों का आपको जरूर ध्यान रखना है, तो फिर आपकी अप्रोच स्टार्ट होगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये फाइनेंशियल मॉडल अगर हम सीख लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या क्या डिफरेंट करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं अबाउट पॉडकास्ट ऑफ द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020 to 2025। अब हम नियरली 2024 पे हैं, 2025 पे पहुंच ही रहे हैं कि फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट फ्रॉम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक थिंक टैंक है जो कि ग्लोबल रिसर्च करता है अबाउट द स्किल्स कि भाई मार्केट में कौन से स्किल्स की डिमांड है। तो उसमें आप देखें कि रैंकिंग जब की है उन्होंने तो नंबर वन पे डेटा एनालिसिस आया। Obviously, ये रिपोर्ट जो मैंने अभी आपसे शेयर की है ये 2020 की है, इसके बाद नई रिपोर्ट्स भी कुछ आई हैं फर्दर, लेकिन उन नई रिपोर्ट्स में भी यही आ रहा है कि डेटा एनालिसिस इज द फ्यूचर ऑफ एवरीथिंग। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिंपल है, पहले कहते थे 1970s और 1980s में कि ऑयल इज गोल्ड, जिसके पास ऑयल है वो रिच कंट्री है। अब के दौर में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है तो अब के दौर में कहते हैं कि डेटा इज न्यू गोल्ड। आपके पास अगर डेटा है तो आप उस बिजनेस को और आप सुपर पावर है अगर आपके पास डेटा है। क्यों आज चाइना जो है वो ग्लोबल मार्केट में आगे बढ़ता जा रहा है? जस्ट बिकॉज चाइना वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज हु इंप्लीमेंटेड 5G टेक्नोलॉजी। अब 5G टेक्नोलॉजी पूरा डेटा के मैकेनिज्म पर चलती है, हर एलिमेंट डेटा का रिकॉर्ड करती है। ये एक बहुत बड़ा एक डिस्कशन है जो हम ऑब्वियसली जिसमें जा सकते हैं, लेकिन कमिंग टू बैक टू दिस फाइनेंशियल मॉडलिंग का पार्ट कि क्या मैं वो स्किल सीख रहा हूं जो कि मार्केट में रेलिवेंट है? तो 100% है। हमारा बुनियादी मकसद इस रिपोर्ट का बताने का तो है ये कि आप एक ऐसा करियर आगे लेकर जा रहे हैं जो कि इन अदर वर्ड्स रिसेशन प्रूफ है। कोई भी मुल्क के हालात डाउन हो, अप हो, कोई रिसेशन आ जाए, इकोनॉमी डाउन हो जाए, डेटा जिसके पास है और जिसको डेटा पे एनालिसिस करना आता है, फाइनेंशियल मॉडल भी ऑब्वियसली उसी के पार्ट में आ जाता है बिकॉज आप मॉडल्स उस डेटा की बुनियाद पर ही बनाते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं। तो आप जो है वो आपका करियर रिसेशन में नहीं आने वाला डाउन, आप अपने स्किल्स को अपग्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, न सिर्फ पाकिस्तान में बट आउटसाइड पाकिस्तान। उसके बाद हम यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं कि टॉप 10 जो है वो स्किल्स रिक्वायर्ड बाय मास्टरी एंड टाइम टू अचीव। डेटा मैनेजमेंट नंबर 4 पे आया हुआ है कि ये आपको जो स्किल सीखना चाहिए और ये जो है टिपिकल मास्टरी गैप अबाउट 45%, इतना गैप है मार्केट में। तो आप देख रहे हैं कि लोग जो है वो हायर करना चाह रहे हैं फाइनेंशियल मॉडल्स को और लोग जो है वो अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल मॉडलियर्स इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं है, बहुत ही स्किल का गैप है मार्केट में। विच मीन्स के अगर स्किल गैप है और वो भी 45% की लेवल पर है तो दैट मीन्स के आपके लिए बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज है। इट्स जस्ट के आप उस अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे नहीं है, अवेलेबल है, आपको अपना स्किल अपग्रेड करना है और उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना है, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। बिकॉज ये रिसर्च बोल रही है, ये तो मैं तो नहीं बोल रहा, ये तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट बोल रही है। के पास जो है वो नंबर 9 पे बिजनेस एनालिसिस स्किल्स, ये भी एक ऐसा स्किल है जो कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अहम है और यहाँ पे तो 66% मास्टरी गैप है।
अंदाजा लगाएं 65% मास्टरी गैप है, विच मींस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये बोलता है कि 65% गैप अभी है, चीज है, लेकिन लोग इतने नहीं है कि वो इस स्किल को पूरा कर सके. That means you are into an excellent career growth opportunity. और अगेन मैं ये नहीं बोल रहा, ये तो रिपोर्ट्स बोल रही है जो कि ग्लोबल थिंक टैंक की रिपोर्ट्स हैं. That's it. तो मकसद कहने का ये है कि ये स्किल आप सीखेंगे तो obviously आपके लिए बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज हैं विच आर ओपन फॉर यू. नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि सर ये कोर्स अगर मैं कर लूँ तो उसके बाद मैं क्या क्या सीख लूंगा, आउटकम क्या होगी. लेट्स टॉक ऑन आउटकम. सबसे पहले हमारी जो आउटकम होगी, can you read please? ओके ग्रेट. नंबर टू, हमारी ऑनलाइन ऑडियंस कैन यू प्लीज रीड दिस नंबर सेकंड आउटकम प्लीज. नंबर सेकंड आउटकम जी जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, नंबर टू आउटकम क्या है? क्रिएट विजुअली इफेक्टिव डैशबोर्ड थ्रू पावर क्वेरी. एक्सीलेंट, दैट्स ग्रेट. एंड नंबर थ्री क्या है? नंबर थ्री आप पढ़ लीजिए. एनालाइज डैशबोर्ड टू गेन बिजनेस इनसाइट्स. Excellent, that's great. Thank you so much for confirming. Now, see, that is what really the methodology. हम यहाँ पे जो methodology और जो approach है वो क्या discuss कर रहे हैं कि पहले तो हमें financial model की construction के part को focus करना होगा. जब financial model construct होगा, बनेगा, तभी तो हम dashboard बना सकते हैं. Methodology, step one, step two, step three. Step three, dashboard बनेगा तो फिर ही तो हम एनालाइज कर सकते हैं. तो वी विल टेक यू थ्रू एंड दिस इज कनेक्टेड अगेन टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट, जो फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट मैंने दिखाया कि भाई मार्केट में किस चीज का स्किल्स गैप है. मार्केट में स्किल्स गैप है डेटा मैनेजमेंट का. मार्केट में वो जो रिपोर्ट बोल रही है, मार्केट में गैप है डेटा एनालिसिस का. डेटा एनालिस्ट इतने ज्यादा नहीं है, और खासतौर पे ये जो फाइनेंशियल मॉडलिंग की जो फील्ड है इसमें तो बड़ा पर्टिकुलर होना पड़ता है, बिकॉज फाइनेंस का बैकग्राउंड हो, फाइनेंस का एक्सपीरियंस हो, फिर फाइनेंस की जो है ना समझ हो कि किस तरीके से चीजों को लेकर फिर समझाना किस तरीके से, क्योंकि जिसको आप समझा रहे हैं हो सकता है उसका नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड है, तो उसको कैसे ट्रांसलेट करना है उस फाइनेंस की टर्मिनोलॉजी, ये भी अपने आप में एक आर्ट है, कोई मजाक चीज नहीं है. तो आप एक ऐसे स्पेशलिस्ट स्किल की तरफ जा रहे हैं जो कि हम इस ट्रेनिंग में आपको कवर कराएंगे और आपको सिखाएंगे, ताकि आप बेनिफिट लेके पहले तो कंस्ट्रक्शन के पार्ट को सीखें, फिर उसके बाद उसके डैशबोर्ड्स बनाएं और उसमें लेटेस्ट फीचर्स सच एज पावर क्वेरी यूज करें, और फिर उसके बाद उसको एनालाइज करें. और यही हमारी एक अप्रोच रहेगी जिसको हम इंटरनेशनल अप्रोच के ऊपर आपको लेकर चलेंगे, और आपको डेफिनेटली एक ऐसी चीज मिलेगी जिसमें यू विल सिंपली बी अमेज्ड. दैट इज वन थिंग दैट इज ओनली कमिंग इन माई माइंड, कि यू विल बी अमेज्ड इंशाल्लाह ताला. बिकॉज आगे चल के जब हम आपको दिखाएंगे, तो ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास इससे पहले पता नहीं कितने हाई लेवल के सुपीरियर फाइनेंस प्रोफेशनल्स, मिड लेवल के, स्टार्टिंग लेवल पे सब आए, सबने ये कहा है कि सर दिस इज समथिंग डिफरेंट. तो अब देखते हैं कि आपको आज वही डिफरेंट वाला टच आता है या नहीं आता, वो तो फिर आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि पहले का तो पास का तो ये था, अब आज आप डिसाइड करेंगे. एंड मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होगा आपका फीडबैक लेने से, क्योंकि उसमें हमारी भी हौसला अफजाई होगी और हम फर्दर अपने आप को इम्प्रूव करेंगे. तो अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग एनालिसिस. ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपको यही बेनिफिट बताया कि सिम्युलेट करता है इंपैक्ट ऑफ वेरिएबल. मिसाल के तौर पे उस बिजनेस को एक्सपैंड करना है टुवर्ड्स कराची, फ्रॉम कराची टू लाहौर, फार्मास्यूटिकल बिजनेस को, तो अगर वो कहां पे इन्वेस्ट करे, कौन से एरिया में करे, कौन सी लेबर मार्केट में करे, या करे भी या ना करे, सबसे अहम फैसला. जरूरी नहीं है सारे एनालिसिस करने के बाद पता चला यहाँ पे तो जो है वो कुछ ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से मैं बिजनेस ही नहीं कर सकता, मे बी लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट पंजाब में बहुत ज्यादा है बनिस्बत सिंध के, आई डोंट नो, कोई भी रीजन हो सकता है, लीगल रीजन हो सकता है कोई भी. तो वो सारी चीजों को हम जो है वो इसमें जब इम्पैक्ट में लेकर आ सकते हैं, तो फिर हमें पता चलेगा कि वो लाइसेंसिंग कॉस्ट बहुत हैवी है वहां पे पंजाब में बनिस्बत सिंध के, हो सकता है. तो ये सब एनालिसिस करेंगे, उसके बाद उस एनालिसिस तभी आप कर सकते हैं उन वेरिएबल्स की, जब आप पहले उनको डैशबोर्ड में कन्वर्ट करें, क्योंकि डैशबोर्ड से बिजनेस ओनर को समझ में आएगा या शेयर होल्डर को समझ में आएगा, बिकॉज आपने अपनी शीट्स बना ली, उन शीट्स में तो प्योरली नंबर्स लिखे हुए, बट वेर इज द स्टोरी, पीपल लाइक स्टोरी, स्टोरी कहां पे,
तो वो जो स्टोरी आप जो बताएंगे उनको या स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स जो अप्लाई करेंगे उसमें आप डैशबोर्ड्स की मदद लेंगे, क्योंकि डैशबोर्ड विजुअली इफेक्टिव होते हैं और ये हमारी नेचर से फ्रेंडली है। नेचर से फ्रेंडली कैसे? हमेशा मैं इस चीज का कहता हूं कि जो इंसान है वो वर्ड्स को थोड़ा मुश्किल से पढ़ पाता है, लेकिन जैसे ही उसके सामने पिक्चर आ जाती है, इमेज आ जाता है, आप जैसे हाईवे पे भी जाते हैं तो वहां पे इमेजेस बने होते हैं, लिखा कम होता है, ज्यादा इमेजेस, क्रॉस का निशान होता है, या वो आपको जो है वो एनिमल्स की क्रॉसिंग के लिए वहां पे एनिमल बना हुआ है और उसमें क्रॉस लगा हुआ है, ताकि इमेज, हमारा माइंड इमेज जल्दी प्रोसेस करता है बनिस्बत वर्ड्स और थ्यूरीज को। तो हम यहाँ पे डैशबोर्ड्स की जो टेक्निक्स अप्लाई करेंगे उसमें हम विजुअली इमेजेस दिखाएंगे, ग्राफ चार्ट दिखाएंगे, ऐसे विजुअल्स दिखाएंगे जो कि उसके माइंड में क्लिक हो जाए और वो समझ जाए कि यार यहाँ पे मुझे या नुकसान या फायदा है, या मैं क्या करूं कि फायदा हो जाए। उसके बाद रिसोर्स अलॉटमेंट करना बहुत ज्यादा रिलायबल है एंड इजियर है, बिकॉज आप जब डिसाइड करें, जैसे मैंने उसी बिजनेस का डिस्कस किया आपसे तो फार्मास्यूटिकल का, तो उसमें जो है वो आप ऑब्वियसली जब सिनेरियो एनालिसिस कर रहे हैं तो रिसोर्स अलॉटमेंट आपकी बहुत ज्यादा रिलायबल होती है और आपकी बहुत ज्यादा इजियर होती है। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट दी सेवन मॉड्यूल्स इन अ स्नैपशॉट, के पहले तो हम एज अ स्नैपशॉट देखें कि ये फाइनेंशियल मॉड्यूल्स के मॉड्यूल्स क्या क्या हैं। तो मैं रिक्वेस्ट सम ऑफ आवर ऑनलाइन ऑडियंस प्लीज टू वॉलंटियर टू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम मॉड्यूल वन ऑल दीज मॉड्यूल्स। जी हमारे ऑनलाइन ऑडियंस, ऑन अ संडे मॉर्निंग इतनी मुश्किल एक्सरसाइज मैं आप सबसे करा रहा हूं, उसके लिए माजरत। हाँ जी, ये मैं राशिद फहीम बात कर रहा हूँ। पहला मॉड्यूल है मॉड्यूल वन, बेसिक्स ऑफ मॉडलिंग एंड एनालिसिस। सेकंड वन, अकाउंटिंग मॉडल एंड डेटा विजुअलाइजेशन। थर्ड वन है फिजिबिलिटी मॉडल। एंड फोर्थ वन कंपैरेटिव केस स्टडी है, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ वन है डीसीएफ वैल्यूएशन, विजुअलाइजेशन एंड वैल्यूएशन, सॉरी वैल्यूएशन एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस। मेरी थोड़ा सा आई साइट का भी इशू है, नो प्रॉब्लम। मैं इसको तो मैं अभी मैंने इसको बड़ा कर लिया। फाइनेंशियल डैशबोर्ड एंड डायनेमिक कनेक्शंस। और सातवां मॉड्यूल है पावर डैशबोर्ड्स। एक्सलेंट, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर रीडिंग ऑल दिस डिस्पाइट हैविंग सम इश्यूज, बट एक दफा मैं सबको ये रिक्वेस्ट तो कर ही सकता हूँ कि रिएक्शन करके कम से कम ताली ही बजा दें, अगर बोलना नहीं तो कम से कम ताली ही बजा दें प्लीज, कम ऑन, यू करके बैठे रहेंगे तो क्या होगा, कम ऑन तालियां बजा दें जी, मुझे सुनने में नहीं आई तालियां कोई भी, ना सुनने में ही ना देखने में आई, 7 8 9 10 अभी तक 9 तालियां ही बजी हैं सिर्फ अच्छा अब जो 10 11 हो गई, ओके ग्रेट, दैट्स ग्रेट, चले ठीक है अब 8 हो गई, ओके ग्रेट, चले जी दैट्स ग्रेट। तो हमारी ऑनलाइन ऑडियंस एंड हमारी फिजिकल ऑडियंस जो है वो अब तैयार हो जाए, बिकॉज ये सारे मॉड्यूल्स, इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में ऑफ ऑल द चैप्टर प्रीव्यूज, और उसमें आपको एक गाइडेंस मिलेगी कि किस तरीके से आप जो है वो अपने स्किल्स को इजाफा कर सकते हैं थ्रू लर्निंग दीज डिफरेंट मॉड्यूल्स, और आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आ सकते हैं, क्योंकि हमें जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस चाहिए कि भी टेक्निक्स वो सीखेंगे तो फिर कॉन्फिडेंस आएगा, अगर टेक्निक्स नहीं सीखेंगे तो आप भी थोड़े से झोल में होंगे कि यार पता नहीं ये क्या चीज आ गई है, कैसे इसको मैं हैंडल करूं। तो विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज नाउ प्लीज मैं वेलकम तनवीर बख्श हु विल बी गोइंग थ्रू द ऑल द मॉड्यूल्स विद अ ह्यूज राउंड ऑफ, कम ऑन एक दफा तालियां तो बजा दे सर प्लीज जी, हमारी ऑनलाइन ऑडियंस तालियां नहीं सुनने में आई ना मुझे देखने में आई, चले जी 3 4 5 ओके 7 8 10 तक पहुंचा दे बस, कम से कम चले 10 तक पहुंच गई, चले गुड हो गया, 10 तालियां तो बच गई, चले जी दैट्स ग्रेट। सो ओवर टू यू तनवीर बख्श फॉर फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस चैप्टर प्रीव्यूज एंड लीडिंग दिस सेशन इफेक्टिवली, थैंक यू, ओवर टू यू। Thank you, Farhan, and thank you everyone for being here with us. I welcome once again to this training, Financial Modeling Analysis. So before we start, I would like to introduce myself, because I'm sure you should know about your trainer skills, trainer experiences, what exactly your trainer has done in the past. So that I would like to brief some history about myself. And after that is done, we will go to discuss our course outline. Course objectives will be discussed in detail. And
We have included some chapter previews as well, so you can understand better what exactly we will be delivering in this course. And you will be surprised, I'm sure. You will be amazed जब हम डिस्कस करेंगे अपने कोर्स आउटलाइन को, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स को और कोर्स डायमेंशंस को, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और एट द एंड द फ्लोर विल बी ओपन फॉर यू इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू हैव एनी डाउट्स, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग एंड इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, आई वुड लव टू आंसर यू. सो लेट मी डू अ क्विक चेक. जी हमारे ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज एक बार कंफर्म करें. जी सर. यस सर, क्लियर. All right. Yes, sir. Clear. Clear. Thank you for replying. So let me introduce myself. I am Tanveer Baksh, your trainer for this course, Financial Modeling Analysis. And by profession, I'm working as a GM Finance at HO Group of Companies. And as for my educational background, basically I'm a commerce graduate and I hold a master's degree in economics as well. इसके साथ साथ मैंने डिफरेंट डिप्लोमास एंड सर्टिफिकेट्स भी लिए हैं, सच एज DCS, DIT, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, CDC. और इसके साथ साथ डिफरेंट फाइनेंशियल मॉडलिंग प्रोग्राम्स में इनरोलमेंट भी रही है टू कीप अपडेटेड माई सेल्फ एंड टू नो अबाउट व्हाट एग्जैक्टली द फाइनेंशियल मॉडलिंग वर्ल्ड में क्या हो रहा है और क्या न्यू अपडेट्स हैं. जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मेरा फील्ड एक्सपीरियंस. आई हैव गॉट ओवर 19 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. I started my work from Stock Exchange in 2005 as an assistant research analyst. In 2008, I moved to Commodity Exchange. Currently, it is known as Pakistan Mercantile Exchange, where different types of commodities are traded like gold, silver, crude oil, light sugar, and rice, etc. In 2012, I was appointed as a product development manager at Diana Islamic Financial Services, a corporate member of Islamic Stock Exchange at that time. And in 2013, I joined HO Group of Companies as a GM Finance, and since 2013 to till date, I have been engaged and managing different types of financial activities for this group. So this is my short introduction. Now, let's move on to discuss our course outline. Our first module will be based upon some fundamentals, some basics. जो हम discuss करेंगे, basics of modeling analysis. हमें start करना है scratch से. हमें पहले प्लेटफॉर्म को समझना है. एक्सेल प्लेटफॉर्म यूज करेंगे और एक्सेल प्लेटफॉर्म में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ टूल्स हैं और कुछ फंक्शंस हैं, तो पहले समझना है और उसके बाद उन सब को अप्लाई करना है एक मॉडल पर, चूंकि है प्रोजेक्ट टाइमलाइन. फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट मॉड्यूल में हम इसको कवर करेंगे. इसका चैप्टर प्रीव्यू देखते हैं. इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं और हमें पहले स्क्रैच से स्टार्ट करना है, इसलिए हमें कुछ बेसिक इनपुट्स को समझना है, कुछ फंक्शंस को समझना है, कुछ कैलकुलेशंस को समझना है. उसके बाद हम चार्ट्स को कनेक्ट करेंगे, डिफरेंट चार्ट्स को हमें कवर करना है वेरी फर्स्ट चैप्टर में, और उसके बाद कुछ टूल्स को हमें डिस्कस करना है, और लास्ट में हमें एक प्रोजेक्ट टाइमलाइन को डिस्कस करना है. प्रोजेक्ट टाइमलाइन क्या है? हमारे पास एक एक्सपोर्ट जॉब है और इस एक्सपोर्ट जॉब में हमें डिफरेंट एक्टिविटीज करनी है, डिफरेंट जॉब्स परफॉर्म करने हैं और डिफरेंट टास्क अलाइन है. इस समरी को हमें ट्रांसफॉर्म करना है एक चार्ट में. बहुत सिंपल चार्ट हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, स्टार्ट में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो चार्ट आप देखेंगे ये एक डायनेमिक चार्ट है. इसमें हम किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम को एनालाइज नहीं करेंगे. कोई भी चार्ट अगर आप देखेंगे तो किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम को वो प्रेजेंट कर रहा होता है, लेकिन यहां पर हमें एक्चुअली डे वन से डे लास्ट तक जो भी एक्टिविटीज हुई हैं, जो एफिशिएंसीज, इनएफिशिएंसीज, परफॉर्मेंसेस को इवैल्यूएट करना है. तो इसके लिए जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इस समरी को, तो आप क्विकली देख सकते हैं कि डे वन पर कौन से डिपार्टमेंट एफिशिएंट था, इनएफिशिएंट था, डे टू पर, डे थ्री पर, और डे वाइज परफॉर्मेंसेस को हम एनालाइज कर सकते हैं. तो इस चार्ट को हमें डिजाइन करना है और उसके बाद कुछ कंडीशंस को और डायनेमिक रिपोर्ट्स को हम कवर करेंगे. सेकेंड मॉड्यूल, अकाउंटिंग मॉडल एंड डेटा विजुअलाइजेशन. हमें अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, एक ट्रायल बैलेंस क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डेटा सेट्स हमें हमारे पास अवेलेबल होंगे, और स्टॉक समरी प्रिपेयर करनी है और एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है. जो कोर ऑब्जेक्टिव होगा हमारा वो हमें एक डैशबोर्ड, एक डायनेमिक डैशबोर्ड क्रिएट करना है. राइट, हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं. इस डैशबोर्ड को क्रिएट करने के लिए जो हमारे प्री रिक्विजिट्स हैं, जिसमें हमें डिफरेंट कैलकुलेशंस परफॉर्म करने हैं, टॉप फाइव बैलेंसेस क्या हैं,
टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं, और इस डैशबोर्ड को डिजाइन करने के लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करना है, देन हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। हम इसको डिजाइन करेंगे, लिंक करेंगे अपने डिफरेंट डाटा सेट्स से, और इसके बाद हमारे पास जो डिफरेंट समरीज होंगी, डिफरेंट रिपोर्ट्स होंगी, उसको हमें कनेक्ट करना है, ऑटोमेट करना है अपने डाटा को। डिफरेंट हमारे पास डाटा सेट्स हैं, और इसके बाद हमें कुछ कैलकुलेशंस करना है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मैच्योरिटी स्टेटमेंट, डेटर एंड क्रेडिटर एनालिसिस, उसको हम कवर करेंगे, फाइनेंशियल्स को कनेक्ट करेंगे, और इन सब की ट्रांसफॉर्मेशन अगेन हमारे डैशबोर्ड पर आपको नजर आएगी, राइट। थर्ड मॉड्यूल फीजिबिलिटी मॉडल, हमें एक न्यू स्टार्टअप को डिस्कस करना है। अगर हमें एक बिजनेस करना है, सर फरहान ने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर हमें एक नया स्टार्टअप, एक नया बिजनेस, एक नया ब्रांच ओपन करना है, तो उसकी फिजिबिलिटी को हम पहले डिस्कस करेंगे। फिजिबिलिटी मॉडल क्या है? हमारे पास बेसिक अजम्पशंस होंगे, मार्केट का डाटा होगा, कॉम्पिटिटर का डाटा होगा, हमारा अपना डाटा होगा, हम उनको एज अजम्पशन इनपुट्स में यूज करेंगे, फाइनेंशियल रेशियोज को हम डिस्कस करेंगे, थ्री फाइनेंशियल मॉडल को हमें फर्स्ट कनेक्ट करना है, और उसके बाद हम डायनेमिक डैशबोर्ड में उसकी ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं, राइट। इसका प्रीव्यू देखते हैं। हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इसमें हमें बेसिक फाइनेंशियल मॉडल कंट्रोल्स को पहले समझना है, इनपुट्स को समझना है, और इन इनपुट्स को जब हम चेंज करेंगे तो जो आउटपुट है वो क्विकली अपडेट होगा, चेंज होगा, हमारा बिजनेस फिजिबल है या नहीं है, और किस तरह से फिजिबल होगा इसको हम इसमें कवर करेंगे। डिफरेंट रेशियोज हैं, फाइनेंशियल रेशियोज हैं, इन्वेस्टमेंट पैरामीटर्स हैं, एक्विटी पैरामीटर्स हैं, डेट पैरामीटर्स हैं, इन सबको हम कवर करेंगे। इसके लिए हमें एक मॉडल क्रिएट करना होगा। इस मॉडल को हम किस तरह से कनेक्ट करेंगे और किस तरह से हमें इसको लिंक करना है डिफरेंट इनपुट से, और उसके बाद हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखना है। एक्चुअल जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो हमारे डायनेमिक डैशबोर्ड पर होगा। फिजिबिलिटी मॉडल के बाद हमें कवर करना है कंपैरेटिव स्टडी। इसके अंदर हमें कंपनी का एक्चुअल डाटा रिक्वायर्ड होगा। जो हमारे स्टॉक चेंज में लिस्टेड कंपनीज हैं, एंग्रो फर्टिलाइजर, ओजीडीसी, जितने भी लिस्टेड स्टॉक्स हैं, हम उसका एक्चुअल डाटा को एनालाइज करेंगे। इसके लिए हमें एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस रिक्वायर्ड होगा स्टार्ट में, और उसके बाद हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अंदर भी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए अगर इस डेटाबेस को देखें तो इसमें डिफरेंट हाईलाइट्स हैं, जो फाइनेंशियल्स के एक्चुअल हाईलाइट्स हैं, राइट। और इसके बाद इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हमें कंपैरेटिव स्टडी में करनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम किसी भी दो कंपनीज को एनालाइज करना चाहें, उसका कंपैरेटिव स्टडी करना चाहें, तो ये पॉसिबल है कि हम उसकी हर लाइन आइटम को एनालाइज कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें प्रोजेक्शन समझना है कि किस तरह से हम फोरकास्ट करते हैं। जो फाइनेंशियल मॉडल का जो कोर ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि हमें फ्यूचर्स को फोरकास्ट करना है। तो यहाँ पर एक्चुअल फाइनेंशियल्स को हम किस तरह से एनालाइज करेंगे, और काफी डायनेमिक होगा, इसमें आप डिफरेंट कंपनीज को एनालाइज कर सकते हैं, सेम सेक्टर की कंपनीज हो या क्रॉस सेक्टर कंपनीज हो, ठीक है। तो हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को हमें डिस्कस करना है किस तरह से ऑटोमेट होगा, मल्टी टाइम लाइन पर हम इसको एनालाइज कर सकते हैं, सेम कंपनी को दो डिफरेंट टाइम लाइन पर एनालाइज कर सकते हैं, और इसके बाद अगेन इसको हमें कन्वर्ट करना है डिफरेंट विजुअल्स में, और इनके तमाम रेशियोज को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल रेशियोज को हम डिस्कस करेंगे, और इसके बाद इसमें कुछ ट्रेंड एनालिसिस होगा और कुछ चार्ट्स हम कनेक्ट करेंगे। अच्छा, इसमें एनुअल बेसिस पर और क्वार्टरली बेसिस पर हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। जो रीसेंट डेटा होगा, जो क्वार्टरली डेटा होगा, हम उसको भी कैटर करेंगे और एनुअल फाइनेंशियल्स को भी कैटर करेंगे। काफी ऑटोमेटेड मॉडल है। हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है DCF वैल्यूएशन। हमें कंपनी की वैल्यूएशन को समझना है, ठीक है। हमें अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने हैं, तो इसके लिए हमें वैल्यूएशन को समझना है। वैल्यूएशन के साथ सेंसिटिविटी एनालिसिस हमें कवर करना है। तो फ्री कैश फ्लोज क्या होते हैं, वैक क्या होता है, किस तरह से हम टर्मिनल वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से हम इंट्रिंसिक वैल्यूज को, शेयर प्राइस को फाइंड आउट करेंगे, किसी भी कंपनी के शेयर अंडर वैल्यू है, इसको हम कैसे डिटरमिन करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक ये मॉडल है। इस मॉडल में हमें अगेन थ्री फाइनेंशियल्स बनाने हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लोस कनेक्ट करना है, उसके बाद हम DCF वैल्यूएशन एक्सटेंशन गैप्स को हम DCF वैल्यूएशन कर सकते हैं। डिफरेंट सेंसिटिविटी एनालिसिस हम इसमें कवर करेंगे,
और इसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हमें एक ऑटोमेटेड कैलकुलेटर डिजाइन करना है जिसमें हम डिफरेंट इनपुट्स करें, डिफरेंट फाइनेंशियल्स के इनपुट्स करें और वो हमें शेयर प्राइस को फोरकास्ट करें, ठीक है, जो एक्चुअल फोरकास्ट होना चाहिए। तो हम किस तरह से लिंक करेंगे, इसमें भी हमारे पास डिफरेंट कैलकुलेशंस हैं जो हम परफॉर्म कर रहे होंगे। चैप्टर 5 के बाद हमारे पास फाइनेंशियल डैशबोर्ड्स हैं। फाइनेंशियल डैशबोर्ड्स हमें एक्चुअली जो हमने डिस्कस किया वो बेस कर रहा था डिफरेंट कैलकुलेशंस पर, डिफरेंट फंक्शंस एंड फॉर्मूलास पर। जब हम फाइनेंशियल डैशबोर्ड्स को डिस्कस करेंगे तो हमें पिवट टेबल की हेल्प लेनी है, ठीक है। पिवट टेबल और स्लाइसेस, रिपोर्ट कनेक्शंस, कॉम्बो चार्ट्स क्या होते हैं, टाइमलाइन क्या होता है, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे बेसिक्स है, जो बेसिक डैशबोर्ड रिक्वायरमेंट है, प्रीरिक्विजिट्स है। उसके बाद हमें डिफरेंट डाटा को कन्वर्ट करना है डिफरेंट समरीज में, एंड अगेन उसका जो आउटपुट होगा वो एक डायनेमिक चार्ट होगा जिसमें हमें इसको कन्वर्ट करना है और हमें अपने चार्ट्स को ऑप्टिमाइज करना है। जो इम्पोर्टेंट है वो है चार्ट डिजाइन करना और उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज करना। जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन हमारा सेकेंड पार्ट में डिफरेंट समरीज होंगी और उसको कनेक्ट करना है टाइमलाइन से। एंड थर्ड पार्ट में हम 3D मैप को डिस्कस कर रहे होंगे। 3D मैप डिफरेंट लोकेशंस पर डिफरेंट आउटपुट्स को हम एनालाइज कर सकते हैं, डिफरेंट रीजन्स के प्रॉफिट्स को, डिफरेंट रीजन्स के सेल्स को एनालाइज कर सकते हैं और हम उसकी लोकेशंस पर उसकी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। ये कवर करेंगे फाइनेंशियल डैशबोर्ड। इसके साथ साथ हमें डायनेमिक कनेक्शन समझते हैं। अगर मल्टीपल यूजर्स आपके डाटा को इनपुट दे रहे हैं हम उसको डिफरेंट लोकेशन से किस तरह से कनेक्ट करेंगे और उसका आउटपुट अपने डैशबोर्ड पर कैसे विजुलाइज करेंगे, ये भी इसमें कवर होगा। और लास्ट में हमारे पास जो मॉड्यूल 7 है वो है पावर डैशबोर्ड्स। पावर पिवट क्या होते हैं, पावर डैशबोर्ड्स क्या होते हैं, पावर क्वेरी क्या होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे और डायनेमिक पावर डैशबोर्ड्स बनाते हैं और इसमें जिसका आउटपुट होगा मल्टी ईयर्स टाइमलाइन पर हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम क्वार्टरली एनालाइज करें या एनुअल बेसिस पर एनालाइज करें, डिफरेंट चार्ट्स को हम कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो डाटा फाइल्स हैं इसके अंदर तमाम रीजन्स का डाटा है, तमाम ब्रांचेस का डाटा है, राइट। और हम कराची का डाटा उस डाटा फाइल में प्लेस करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक कराची का डाटा इस डाटा फाइल में प्लेस नहीं है। जैसे ही हम इसको प्लेस करेंगे, ऑलराइट, जैसे ही हम इसको प्लेस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि हमने जस्ट रिफ्रेश करना है और यहां पर जो ब्रांचेस आपको शो हो रहे हैं इसमें कराची ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा और तमाम चार्ट्स, ग्राफ और तमाम डाटा रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। और हमें जस्ट क्या करना है, फोल्डर में ड्रॉप करना है, दैट्स इट। हमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है। ऑलरेडी हमने इस डैशबोर्ड को जब डिजाइन किया तो उसके अंदर सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। डिफरेंट एग्जांपल्स होंगे, डिफरेंट समरीज होंगी, डिफरेंट कैलकुलेशंस हमें रिक्वायर्ड होंगे। डाटा मॉडल क्या होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे और डाटा मॉडल पर डाटा किस तरह से लोड होता है और किस तरह से उसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं, कनेक्शन कैसे करेंगे, इन कनेक्शन को हम डिस्कस करेंगे और एक डायनेमिक डैशबोर्ड, पावर डैशबोर्ड डिजाइन करेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा और लाइव सेशन का। इसके बाद हमारे कुछ बोनस चैप्टर्स हैं जो रिकॉर्डेड हैं, राइट, हम उसको भी डिस्कस करते हैं। हमारे बोनस चैप्टर्स में सबसे पहले है बजट फोरकास्टिंग। ये रिकॉर्डेड सेशन है और इसके अंदर हमें एनालाइज करना है एक्चुअल वर्सेस बजटेड डाटा, उसको कंपैरिजन करना है, वेरिएंस एनालिसिस क्या होगा, लीनियर फोरकास्ट क्या होगा, सीजनैलिटी फोरकास्ट क्या है, इन सबको हम डिस्कस करेंगे इस मॉडल में। और इसके अंदर मल्टी ईयर्स टाइमलाइन है, ठीक है, आपके पास हिस्टोरिकल डाटा है और उसका कंप्लीट फाइनेंशियल्स गिवन है और इसके बाद हमें बजटेड डाटा रिक्वायर्ड होगा और जो एक्चुअली प्लान डाटा है लास्ट ईयर का उसका हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना है, ठीक है, वेरिएंस एनालिसिस होगा और नेक्स्ट ईयर के लिए फोरकास्ट कैसे करेंगे, ठीक है, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं कि प्रॉपरली रिसोर्स एलोकेशन करना है हमें, ठीक है। तो रिसोर्स एलोकेशन में हमें इस डायनेमिक डैशबोर्ड से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं और काफी इफेक्टिव डैशबोर्ड्स हैं। सीजनैलिटी, अगर हमारा बिजनेस बेस कर रहा है डिफरेंट सीजन्स पर तो हम उसको यहाँ पर कैटर कर सकते हैं, ठीक है, सीजनल वेरिएशंस क्या है। और इसके बाद हमारा सेकेंड बोनस चैप्टर है जो कि रिकॉर्डेड है,
डेटा हैंडलिंग विद मैक्रोस। ये लाइव सेशन में कवर नहीं होगा, लेकिन कंप्लीट रिकॉर्डिंग्स हैं और इन रिकॉर्डिंग्स में हम समझेंगे कि मैक्रोस होते क्या हैं। अगर हमें अपने एक्सेल फाइल को, अपने रिपोर्ट्स को ऑटोमेट करना है तो हम एक मैक्रोस की हेल्प ले सकते हैं। हमें अपने सिक्योरिटी यूज करना है अपने डेटाबेसिस के, अपने कैलकुलेशंस के, तो हम मैक्रोस यूज कर सकते हैं। मैक्रोस एक्चुअली ऑटोमेट करेगा आपके रूटीन टास्क को, जो आपके फ्रीक्वेंट टास्क उसको ऑटोमेट करने में आपको हेल्प करेगा। और इसके अंदर भी काफी डिफरेंट डायमेंशंस हैं जिसको हम कवर कर रहे होते हैं। ये कंप्लीट रिकॉर्डिंग्स हैं और रिकॉर्डेड सेशंस हैं। अगर हमें गैदर करना है डिफरेंट रिसोर्सेज से डाटा, तो हम किस तरह से मैक्रो की हेल्प लेंगे और किस तरह से हम डिफरेंट कैलकुलेशंस करेंगे, इस चैप्टर में कवर होगा। ये बोनस चैप्टर है आपके लिए। ऑलराइट, एंड थर्ड बोनस चैप्टर है इन्वेंट्री मॉडल। हमें इन्वेंट्री मॉडल में, हमें जो नॉर्मली वेयर हाउसिंग में आप इनवर्ड्स करते हैं, आउटवर्ड्स करते हैं, और इसके बाद कुछ लोडिंग प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं, और उन लोडिंग प्रोग्राम्स को आप कैसे डिजाइन करेंगे, तो हम उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। हम उसके लोकेशंस को भी एड्रेस कर सकते हैं, किस लोकेशन पर वो अवेलेबल है, और उस लोकेशन से हम उसको लोडिंग प्रोग्राम में लोड कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर नजर आएगा कि हमने किस लोकेशन से एक्चुअली लोड करना है वो इन्वेंट्री। ठीक है, तो एक कैलकुलेशन हम यहाँ परफॉर्म करेंगे, ऑटोमेट करेंगे, इसमें भी मैक्रोस का यूज होगा। जब आप मैक्रोस, हम लास्ट जो आपका चैप्टर है उसमें मैक्रोस आप समझेंगे और इसकी एप्लीकेशन आप इस इन्वेंट्री मॉडल में करेंगे, राइट? ये भी रिकॉर्डेड है। इसके बाद हमारे पास फोर जो बोनस चैप्टर है वो है इंटरव्यू मॉडल। अगर आप इंटरव्यू लेना चाहते हैं, ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चंस आपके पास हैं, डिफरेंट उसके आंसर्स हैं, मल्टीपल आंसर्स हैं, तो आप एक सेटअप कर सकते हैं, और एम्प्लॉय का इंटरव्यू लेना है, स्टूडेंट का लेना है, तो आप एक इंटरव्यू सेटअप कर सकते हैं। इस इंटरव्यू सेटअप में डिफरेंट क्वेश्चंस रेज होंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे जब आप इसको स्टार्ट करोगे। जैसे ही स्टार्ट करोगे तो इसके अंदर पिक्चर्स भी शो होंगे उस क्वेश्चन, ठीक है, पिक्चर्स भी शो होंगे और उसके आंसर्स भी शो होंगे। ठीक है, आपको जस्ट राइट आंसर चूज करना है। अगर आंसर रॉन्ग होगा तो वो उसको डिस्क्राइब भी करेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट क्या है कि ये रैंडम क्वेश्चंस रेज करेगा, जब भी आप इसको रन करेंगे हर मरतबा नए क्वेश्चंस आएंगे, तो एक डिटेल डेटाबेस से हम उसको लिंक कर सकते हैं। ऑल राइट, ये हमारे बोनस चैप्टर्स थे। जी नूर अली, आपने क्वेश्चन रेज किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जी बताएं। सर आपने सर जो भी डिटेल्स बताई हैं सर, इट्स वेरी यूजफुल फॉर द फाइनेंस फाइनेंस प्रोफेशनल जो भी है उनके लिए काफ़ी यूजफुल है। बट सर मेरा एक सवाल ये था कि सर अभी क्योंकि सर एक्सेल में आप जितनी भी ट्रेनिंग्स कराएंगे ये एक्सेल में होगी, तो यू डोंट सर यू डोंट थिंक कि एक्सेल में लिमिटेशंस है विद द कॉलम्स और ये सारी चीज़ें, तो अगर यही चीज़ हम पावर बीआई में सीखते हैं तो वो ज़्यादा कंपेटेबल और इजी नहीं है सर एज कंपेयर टू, क्योंकि हम मैक्रोज अगर क्योंकि वहाँ पे मैक्रोज इटसेल्फ मैक्रोज वगैरह हैं या डेक्स के कोई फार्मूलेज हैं, अगर हम पावर बीआई की तरफ जाते हैं तो वो ज़्यादा यूजफुल नहीं है सर एज कंपेयर टू एक्सेल। ओके, लेट मी आंसर। देखिए एक्चुअली जो फाइनेंशियल मॉडलिंग है वो बेस कर रहा है आपके कैलकुलेशंस के ऊपर, ठीक है। हमें इनपुट्स गैदर करना है, उसके लिए कोई भी सोर्स हो सकता है, आप एक्सटर्नल सोर्स यूज करेंगे जो हम डिस्कस भी करेंगे डायनेमिक। इसमें जरूरी नहीं है कि आपके एक्सेल पे डेटाबेस हो, ठीक है। डेटाबेस तो आप जो डिफरेंट डेटाबेस हैं, जो एक्सटर्नल लिंक्स हैं, हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, जो आपका चैप्टर में कवर भी होगा। एक्चुअली जो कैलकुलेशंस हैं उन कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना वो इंपॉर्टेंट है। पावर बीआई जस्ट
उसको एक्चुअली उसको विजुअल इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है, ठीक है। उसमें कुछ कैलकुलेशंस हैं जो पिवट टेबल्स हम यूज करते हैं, एक्सेल में हम यूज कर रहे हैं, तो पावर बीआई में भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जो जो एक्चुअल हमें जो समझना है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स का, कि हमें कैलकुलेशंस परफॉर्म करना है, उसके बाद आउटपुट क्रिएट करना है, और उस आउटपुट को हम एक्सेल में शो करें या पावर बीआई में शो करें, ये ऑप्शंस आपके पास है। लेकिन हमें एक्चुअली फाइनेंस के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, जो हमारे जो एक्चुअली जो कोर ऑब्जेक्टिव है कि हमें फाइनेंशियल कैलकुलेशंस करना है, ठीक है। उसका रिप्रेजेंटेशन इनकम स्टेटमेंट में क्या होगा, बैलेंस शीट में क्या होगा, ठीक है, और कंपनी फाइनेंशियल से डाटा को हम कैसे गैदर करेंगे और आउटपुट्स क्रिएट करेंगे, उस आउटपुट को हम एनालाइज कर सकते हैं डैशबोर्ड्स पर। अब वो डैशबोर्ड आप बीआई में रिपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सेल में करना चाहते हैं, कोई और टूल यूज करना चाहते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको कैलकुलेशंस आनी चाहिए, फोरकास्टिंग आनी चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? थैंक यू सर। हम उसको आपको गाइड मैं करेंगे। इसमें थोड़ा सा आपको बजट गाइड यस करना प्लीज सर। चाहूँ। जी जी थैंक यू। बिल्कुल, हमारे पास यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट है जिनका जो है वो एक क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं आप सबसे एक क्विकी प्रीव्यू लेना चाह रहा हूँ कि आपके जो चैप्टर प्रीव्यूज देखे, आपका क्या उसके ऊपर फीडबैक है, विच वुड बी वंडरफुल टू नो फ्रॉम यू ऑल। ओके ग्रेट एक्सेलेंट जी, आपका कैसा रहा? सर डैशबोर्ड बनाने से लेकिन काफी ज्यादा इम्पैक्टिव चीज है और बाकी ये टाइम चल जाता है चीज, तो क्या आपके सभी जगह ऐसे वैसे पर अगर ये एक बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल जी, आप एक्सीलेंट, दैट्स ग्रेट। वैसे आपका बैकग्राउंड कहाँ से है, लाइक यू वर्किंग समवेयर या? ओके ऑलराइट, आप दोनों दोनों साथ ही टैक्सेशन कर। ओके ऑलराइट जी, हमारे ऑनलाइन ऑडियंस, आपका जो है वो ओवरऑल चैप्टर प्रीव्यूज के बारे में क्या जो है वो फीडबैक रहा, वी वुड लव टू नो फ्रॉम यू ऑल। जी जी हमारे, अच्छा खामोशी क्या बता रही है? ओके, क्लैपिंग तो आ चुकी है, चले जी, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग दिस। वी हैव हियर तारिक मोइनुद्दीन जी। तारिक मोइनुद्दीन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे ख्याल से सर द कंटेंट दैट वी हैव जस्ट गॉन थ्रू इज वेरी गुड। ओके, मेरे ख्याल से जो अभी तनवीर साहब ने जो है वो एलैबोरेट किया है कि द सिमिलैरिटीज बिटवीन एक्सेल एंड पावर बीआई इज वेरी मच रेलेवेंट। द फैक्ट इज दैट कि आप जब हम पावर क्यूरी की बात करते हैं और दूसरे फंक्शंस जो कि कॉमन है दोनों में चार्ज की बात करते हैं, सो डजंट मैटर कि हम कहीं से भी करें, मेरे ख्याल से आई मीन क्योंकि मैं खुद भी लर्निंग उस पे हूँ स्टेज पे, अगर हम बेसिकली इस पे फोकस करें कि कहाँ से हम कॉन्क्रीट स्किल्स हासिल कर रहे हैं वो ज्यादा रेलिवेंट है, बजाय इसके कि इस उसके कि हम कहाँ पे जाकर के उसको प्रोड्यूस करेंगे। सो आई मीन मुझे मुझे बड़ा ये अट्रैक्टिव लग रहा है, सो थैंक यू। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट, दैट इज सो नाइस टू हेयर। जी मिस सलीमा, वी वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू एज वेल। जी मिस सलीमा। आज का सेशन सर बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत मजेदार था सर, सही, बहुत अच्छा रहा सर, बहुत हमने नॉलेज गेन कर लिया। जहाँ तक मुझे ये एक्सेल, क्योंकि पावर बीआई में जो डैशबोर्ड वगैरह बनाना था, हम कहीं पे भी बना सकते, एक्सेल में भी बना सकते, ये भी अच्छी बात है सर। जजाकल्ला, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। तो हमारे पास यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट है जिनका सवाल आया था अर्लियर कि उनका ट्रेजरी का बैकग्राउंड है जिसमें उनके पास डिफरेंट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड डेटा आ रहा होता है, और जो है वो उसमें उनको ये जो है वो इशू आ रहा होता है कि ये फाइनेंशियल मॉडल उनके लिए कैसे रेलिवेंट होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ना बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि मैं आपको डिस्कस कर सकता हूँ। एक तो सबसे बड़ा जो अहम चैप्टर है जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा, ये है डेटा हैंडलिंग विद मैक्रोस। इसमें देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं अभी क्रिएट अ मैक्रो फॉर सेल्स समरी। हम अभी शायद आपकी वाला एग्जाम्पल नहीं यूज कर रहे, लेकिन जाहिर आप कहीं से डेटा तो लेकर आते हैं, राइट? कहीं पे तो आप उसकी जो है वो फिलिंग ऑफ द फॉर्म करते हैं। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें आप मैक्रोज यूज करते हुए अपने कर सकते हैं, बिकॉज इसमें आप देखें इनवॉइसिंग का सिस्टम पूरा, यहाँ पे टैब्स आपने क्लिक किए हुए, डेटा एंट्री ऑटोमेटिकली हो रही होती है, और आप कुछ जगह पे चार्ट में एंटर कर सकते हैं, कुछ जगह पे प्रोटेक्शन लगी हुई है। तो ये हमारा जो कहने का मकसद है कि बाजो का ये चैप्टर्स इलस्ट्रेशन है,
लेकिन इलस्ट्रेशन के पीछे जो टेक्निक है उस टेक्निक को अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तो वो अपनी सिनेरियो में भी वो अप्लाई हो जाती है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चैप्टर जो मुझे मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मेरा जो वो पर्सनली मेरा फेवरेट चैप्टर है मैं आपको दिखा दूं, ये पावर क्वेरी के वो जो डेटा कनेक्शन कॉन्सेप्ट है उसमें चैप्टर 7 में है ना, ये देखिए। अब यहाँ पे देखें आप कि आपके पास जो है वो डेटा मुख्तलिफ जगहों से इस्लामाबाद कश्मीर लाहौर क्वेटा जो आपको सर ने ऑब्वियसली डेमोन्स्ट्रेशन दी भी होगी, लेकिन आपके पास डेटा जो आ रहा होता है वो डिफरेंट सोर्सेस से आ रहा होता है राइट बीइंग इन द बैंक। थ्रू द पावर क्वेरी यू कैन बिल्ड अप द डेटा कनेक्शन एंड ऑटोमेटिकली आपके उस डैशबोर्ड में वो डेटा को रिफ्लेक्ट करेगी। अभी क्या होता है आप पिवट टेबल यूज करते हैं राइट, पिवट टेबल यूज करते हैं, पिवट टेबल कैसे बनता है उसके बुनियादी क्या है, एक डेटा सेट है टेबल का उसको आपने सिलेक्ट कर लिया इंसर्ट पिवट करके ठीक है, उसके बाद वो पिवट टेबल आपके पास वहां पे रिफ्लेक्ट कर रहा है ठीक है। आपने डेटा एक शीट से सिलेक्ट किया, आई एम सॉरी अगर जो इसको शायद अभी नहीं जान रहे तो मैं उनके लिए अभी नहीं है, जिनको जानते हैं उनसे खिताब कर रहा हूं कि जो पिवट टेबल को जानते हैं, क्या आपके पास ये सिचुएशन आ जाए कि शीट मल्टीपल शीट है पिवट बनाना है, क्या करेंगे, एक एक्सेल का जो है वो वर्कबुक है उसमें एक शीट है, उसमें एक शीट में आपने उसका पिवट टेबल बना लिया। अगर आपके पास ऐसी 10 और वर्कबुक्स है जहां से अलग अलग जगहों से आपके पास अलग अलग जगहों से आता है आपके पास काम, ऐसी एक एक या तो उनको आप एक में लेकर आ जाए वो कंफ्यूजिंग ठीक है, लेकिन क्या वो फिर उसमें आप एक शीट में जो है वो फिर पिवट टेबल में शीट कैसे लेकर आए, क्योंकि वो पिवट टेबल तो एक शीट से बनता है, तो या तो आप जो है वो 10 शीटें सिलेक्ट करें उस वर्कबुक में रहते हुए भी, तो दो चैलेंजेस आ गए, एक तो वर्कबुक आपको सिलेक्ट करनी है बाहर की जो कि उस शीट में हैंग नहीं, ये चैलेंज है कि उसको एक जगह पे कैसे लेकर आए, या फिर उन वर्कबुक्स की शीटों को एक शीट में लेकर जाए, तो मसला आ गया एक्सेल हैंग हो गई। यहां पे आपके पास आती है पावर पिवट, क्या आती है पिवट टेबल के बाद नेक्स्ट लेवल पे आता है पावर पिवट पावर क्वेरी जो कि मल्टीपल वर्कबुक्स और मल्टीपल शीट्स उनको गैदर करके एक डैशबोर्ड में लेकर आ जाता है। बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रहा हूं, आई डोंट नो वेदर आई एम एबल टू एक्सप्लेन माई सेल्फ और नॉट, बट आई एम प्रीटी श्योर कि जो प्रोफेशनल्स मैं कहता हूं बाजू का तो डिप्रेशन ही हो जाता है जब वो शीट आपकी हैंग होके बंद हो जाए, आप इमेजिन करें वो फीलिंग क्या होगी कि आपने 8-8 घंटे उसके ऊपर लगा दिए। और मेरे पास अभी कल ही हुआ है, मेरे पास आए थे कॉलिक, वो कह रहे सर पूरा 8 घंटे मैंने मेहनत की है, शीट हैंग हो रही है और करप्ट हो गई, फाइल खुल रही नहीं है, अब मेरे 8 घंटे की मेहनत जाया हो चुकी है। पावर क्वेरी पावर पिवट क्या करता है कि फाइल साइज को थोड़ा लोअर लाइन पे लेकर जाता है और आप लिमिटेशन होती है 1 मिलियन रो की या क्या, तो उससे मल्टी मिलियन रो भी कर सकते हैं आप। तो पावर क्वेरी पावर पिवट थ्रू दी हेल्प ऑफ डायनेमिक कनेक्शन, क्योंकि यहां पर हम डायनेमिक कनेक्शन भी सिखाएंगे इनडायरेक्ट के फॉर्मूला के थ्रू, वो जो पार्ट है वो यहाँ पे आपको, अब सिचुएशन हम यहाँ पे सेल्स की यूज कर रहे होंगे कोई, लेकिन आपको उसको ट्रांसलेट करना है अपनी सिचुएशन में। और फिर उसमें भी फायदा कि जब आपको उस ट्रांसलेशन में कोई इश्यू आ रहा है तो आप सत्यनवीर के पास आ जाए, टेक्निक सीख ली, अप्लाई कर रहे हैं, सर यहां पे मसला आ रहा है मुझे हेल्प कर दे, सर इज अवेलेबल फॉर यू। तो मकसद कहने का यह है कि ये एक ऐसी यूनिवर्सल ट्रेनिंग है फाइनेंशियल मॉडलिंग की जिसमें आप यूनिवर्सली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं एक्सेल में और आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप फिर मोल्ड कर रहे होते हैं अपने आप को, टेक्निक सीख लेते हैं एक दफा। और डेफिनेटली क्योंकि हम कह रहे हैं कि इंडस्ट्री में ये इशू आता है आपके पास, तो हमने जब ये चीज डाली है तो हमने पहले उसको रियलाइज किया है ना कि ये इशू तो आ रहे हैं, इनका हल क्या निकलेगा, इसका कैसे सॉल्यूशन निकलेगा, तो विद इन द लिमिट्स ऑफ एक्सेल रहते हुए आप इसका हल ये निकाल सकते हैं, बिकॉज हर जगह पे हर एलिमेंट में आप पावर बीआई को भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते या उसके अपने एक लिमिटेशन आते हैं, पावर बीआई अपना अच्छा है लेकिन ये जो कैलकुलेशंस का पार्ट है इसमें तो आपको डेफिनेटली पावर क्वेरी पावर पिवट का हेल्प लेनी पड़ती है, बिकॉज इसमें फिर एक और प्रोसेस आ जाता है जो मैं फर्दर डिटेल में चला जाऊंगा, ETL का प्रोसेस जो कि आपसे यहाँ पे डिस्कस भी किया होगा कि आपको डेटा को क्लीन भी करना होता है, तो उसमें भी पावर क्वेरी पावर पिवट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि आप अपनी डेटा को क्लीन कर सके, बिकॉज टैक्सेशन में भी अगर आप आ रहे हैं तो कुछ आपके क्लाइंट्स हैं जो विद NIC डेटा बता रहे हैं उसमें डैश आ रहा है NIC में, कुछ में आ रहा है जो NIC विदाउट डैश है, ठीक
किसी ने, अब आप उसको एक प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि जब तक आप क्लीनिंग नहीं करेंगे उस डेटा की, तब तक आप कैसे आगे बढ़ेंगे? पहले आपको उस डेटा को स्टैंडर्डाइज करना होगा ना, तो स्टैंडर्डाइज करने में या तो आप मैनुअली बैठ के करें और अपना टाइम लगाएं, और आप एक्सेल के लिए काम करें, या आप एक्सेल को कहें कि ये लगाओ और एक्सेल आपके लिए काम करे। तो अपनी मेहनत क्यों करनी है भाई, जब एक्सेल कह रही है मेरे पास फॉर्मूलाज हैं, फंक्शंस हैं, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी भी है, आप कह रहे हो नहीं मैं मैनुअली चलना चाहता हूं। तो मकसद कहने का ये है कि ऑब्वियसली लेट द एक्सेल वर्क फॉर यू, नॉट यू वर्क फॉर एक्सेल, राइट? ओके, सो लेट्स गो थ्रू द फर्दर ट्रेनिंग स्लाइड्स अबाउट UXL. UXL is a thing that is a fintech trading firm and consultancy which is registered with SEBTA. बहुत सारी ऐसी training organizations हैं जो कि training करवा तो रही हैं, लेकिन क्या वो legally registered हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, UXL is fully registered with the training authority, और इसके हमारे पास registration के documents भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो certificates जो आपको देते हैं वो ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ सिंध के देते हैं, विच मीन्स कि हम गवर्नमेंट से फुली रजिस्टर्ड हैं। ऐसे नहीं है कि आपने ट्रेनिंग ले ली और हमने आपको सर्टिफिकेट तो दे दिया, लेकिन उस सर्टिफिकेट की कोई वर्थ नहीं है, वो एक बस सिंपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपना सर्टिफिकेट दे दिया बस, दैट्स इट। एबीसी कंपनी, क्या वो पीछे लीगली रजिस्टर्ड है? क्या कल आप अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या किसी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, तो वीजा में क्या उसकी वेरिफिकेशन हो सकेगी? नहीं हो सकेगी। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप कल वीजा के लिए भी अप्लाई करते हैं या कल आप अगर किसी सऊदी में जाते हैं या जॉब के लिए, तो जब वो वेरीफाई के लिए भेजेगा एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान, तो ये एम्बेसी पीछे वेरीफाई करके देगी, क्योंकि वो पीछे हमारा गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा, इंडोर्स्ड सर्टिफिकेट। केसीसीआई के मेंबर है, कराची ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज, एफिलिएट ट्रेनिंग पार्टनर है विद स्किल डेवलपमेंट काउंसिल कराची, जो कि प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग का, और इसके साथ हम रजिस्टर्ड ट्रेनिंग पार्टनर हैं ऑफ कामयाब जवान प्रोग्राम, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन के साथ हमारी एफिलिएशन है, नेफटेक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो उसका इदारा है। और जब आप ऐसे इदारों के साथ हम एफिलिएटेड हैं, तो क्या वो अपने चेक्स नहीं करते होंगे हमारे इदारों के? बगैर चेक्स किए हुए हमें प्रोग्राम देते होंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह पीछे बैकग्राउंड है, चीजें हैं, वर्किंग है, तो फिर वो चीजें मिल रही हमें, तो दैट इज इट इटसेल्फ शोज यू द ऑथेंटिसिटी of the work that we are doing, alhamdulillah, Allah ke karam se. Yahan pe meri jo hai wo humble si profile hai, I am an ACCA member by profession and I hold BSc applied accounting from Oxford Brookes UK, along with that I am ATD verified trainer, maine complete kiya hua from USA ye organization hai, Association of Talent Development, to uski maine verified certificate liya hua hai ATD ka, iske sath sath international business exposure of 10 years working in Dubai and in London, so bahar ka bhi exposure hai, aur ab yahan pe Karachi mein UXL mein we are I am the founder and chief visionary officer and running this business for nearly about 5 years now. Acha, iske sath sath jo hai wo hamare paas lead effective trainer hain, Tanveer Bhak sahab, jo ke masters in economics hain and by profession jo hai wo finance ko bahut zyada pasand karte hain aur equity market mein inka bahut zyada experience hai. इसके साथ साथ जो मेजर चीज जो आपको जो फायदा देगी वो है इनका 19 इयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री, बिकॉज जिसके पास इतना अगर तजुर्बा है और वो इसी फील्ड में रहा है, तो वो आपको जो उन्होंने इन 19 सालों में सीखा वो आपको समराइज करके कम टाइम में देना चाह रहे, ताकि आपको वो 19 साल ना लगे। ऑब्वियसली तजर्बा अपने आप से एक इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो इन्होंने सीखी होंगी वो आपको पहले से ही सिखा देंगे, तो आपका टाइम सेव हो जाएगा, दैट इज द मेन थिंग। इसके साथ साथ ये हमारी नेफटेक, जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ जो ट्रेनिंग पार्टनरशिप है, तो ये हमारा MOU हो रहा है विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और ये उनकी DG है, मिस नबीला उस वक्त थी जिनके साथ हमने MOU किया था फॉर द ट्रेनिंग, और ये उनकी पूरी टीम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट के साथ, इंडस्ट्री के साथ हम काम कर रहे होते हैं, और ये हमारा IT लैब है डिफरेंट, जैसे जो हमारी पार्टिसिपेंट्स जो अभी ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, तो वो फिजिकली कराची में आके भी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे होते हैं, और इस तरीके से आपको लैपटॉप भी प्रोवाइड किए जाते हैं, फैसिलिटीज पूरी प्रोवाइड की जाती है, एयर कंडीशन रूम्स हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, ताकि आप बेहतर एक्सपीरियंस अपनी ट्रेनिंग का ले सकें। ऑब्वियसली ट्रेनर्स जो है वो अपने हिसाब से पूरी मेहनत करके आपको पूरा पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन साथ में मैं भी होता हूँ जो
चीजों को सारी मैनेज कर रहा होता हूँ, वन टू वन पार्टिसिपेंट से फीडबैक ले रहा होता हूँ, तो ये उसके कुछ पिक्चर्स हैं कि जिसमें मैं पार्टिसिपेंट्स के साथ ऑब्वियसली इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ, ताकि आपको बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जा सके। ये हमारे मजीद कुछ वर्कशॉप्स हैं, जैसे कि ये KPMG में हमने एक वर्कशॉप किया था पावर बीआई का, और इसमें देखें आप माशाल्लाह CFO लेवल और पार्टनर लेवल के पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको, और डायरेक्टर लेवल के पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड की हुई इन द पास्ट। तो हम जो है वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं, और इसके साथ साथ रेगुलर प्रोग्राम्स जो हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट में वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये हमारा रिसेंटली एक वर्कशॉप एंग्रो के साथ हुआ था, ये एंग्रो कॉर्प है वंस अगेन, इसमें भी डायरेक्टर और मैनेजरियल लेवल पे जो है पार्टिसिपेंट जिनको हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी। ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की एक सेटिंग है जिसमें हम करवा रहे हैं। अच्छा, ये जो है वो इसके साथ साथ हमारे वैल्यूएबल क्लाइंट्स हैं, जिसपे जो है वो सिंध रेवेन्यू बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, सिफिम, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिस्कल मैनेजमेंट, वहां पे भी हमने ट्रेनिंग कराई हुई है। ऑब्वियसली आपको तो पता ही होगा, SRB से आपका ताल्लुक रहता होगा। और उसके अलावा मीजान बैंक है, एंग्रो है, UBL बैंक, और इसके साथ साथ जो है KFC पाकिस्तान, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, MCBRF हबीब, मैट्रिक्स फार्मा, चेजअप जिल लिमिटेड, ये स्टेफ्टा गवर्नमेंट का इदारा है, KPMG प्लेटिनम, तो ये माशाल्लाह सांटे फार्मास्यूटिकल, ये सारे डिफरेंट इदारे हैं जिनके साथ हमने काम किया हुआ इन द पास्ट, और हमारा ये पोर्टफोलियो आगे बढ़ता जा रहा है। अभी रिसेंटली हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी निबाफ में, विच इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो बनाया गया जिसमें सारी ट्रेनिंग्स होती है, तो वहां पे भी हमने निबाफ में भी ट्रेनिंग अलहमदुल्ला कराई हुई है। और इसके साथ साथ जो है वो ये हमारी रिकमेंडेशन है एंड फीडबैक है। ये ऑब्वियसली यहाँ पे एजाज सोलंगी है, वन ऑफ द पार्टनर स्कूल्स इन कतर, कतर से वो बेस्ड हैं, और उनको जो है ना ये बाजू का कुछ इश्यूज आ रहे थे काम करने में, तो उनके लिए जो है ना हम, उन्होंने एक हमें इशू भेजा था, हमने उनका उसी वक्त ही रिजॉल्व करके दे दिया, तो उससे वो माशाल्लाह बहुत खुश हुए। हमारे पार्टिसिपेंट भी हैं ट्रेनिंग के, तो उन्होंने ये अपना फीडबैक लिखा था कि कोऑपरेटिव रिस्पॉन्सिव रिजॉल्विंग द इश्यूज, जो भी इशू आता उसको हम, कोई भी काम में इशू आ गया हम रिजॉल्व करने में हेल्प कर देते हैं आपको, और हमारी टीम ऑब्वियसली 24/7 आपके लिए अवेलेबल होती है ताकि आपको अच्छा एक्सपीरियंस दिया जाए और आपके काम में रुकावट ना आए। और बहुत सारे ऐसे मसले जो कि यूट्यूब से हल नहीं होते, आप चाहे कितना भी यूट्यूब पे चले जाए, अब तो ये शौक पूरे हो गए, शौक होता था ना यूट्यूब पे जाने का, अब वो शौक पूरे हो चुके हैं, तो अब जब वो शौक पूरे हो गए यूट्यूब के, तो उसके बाद अब लोगों ने फाइनली फैसला किया कि नहीं सर, यूट्यूब एक हद तक अच्छा है, बिल्कुल इससे कोई भी वो नहीं है डिनाइंग, लेकिन जब मेरा मसला आ जाता है और मेरी, मुझे मेरे मसले की हेल्प चाहिए, तो वहां पे यूट्यूब फेल हो जाता है, वो एक स्टैंडर्ड आपको सोल्यूशन बता देता है, मेरे मसले को कौन समझेगा। तो वो यहाँ पे ऑब्वियसली UXL है, सर तनवीर है, जो कि आप, आपके मसले को समझ के आपकी सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, राइट, और वो लाइफ टाइम है सबसे बड़ी बात। अच्छा, इसके साथ साथ जो है LMS पोर्टल एक्सेस है, ऑब्वियसली थोड़ी सी देर होती जा रही है, आई डू रियलाइज, विद मोबाइल ऐप एक्सेस, ये देखें बिल्कुल सिंपल सा एक LMS का पोर्टल किया हुआ है, जिसमें आपकी ट्रेनिंग 2 मंथ्स की है, और 2 मंथ्स के साथ 6 मंथ्स एक्स्ट्रा, टोटल 8 मंथ्स का आपको एक्सेस दिया जाएगा LMS का, ताकि आपको अगर कोई सेशन मिस हो गया हो या आपको सेशन रिपीट करके देखना हो, तो आप जो है वो 8 मंथ्स तक इन रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल एक्सपीरियंस है। और अच्छा, हमने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया हुआ है वो भी पावर क्यूरी का ही लिया हुआ है, तो देखें इसमें ये मल्टीपल शीट्स हैं। वेल, ये तो रिकॉर्डिंग का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन देखें ये ई कस्टमर, ई सेल्स रैप, प्लेट्स, अलग अलग जगहों का वो लिया हुआ है, और ये सारा कनेक्ट करके एक जगह पे आपको दिखा रहा है, तो ये डायनेमिक कनेक्शंस और पावर क्वेरी का एक स्नैपशॉट है। तो कोई कैंडिडेट फंस गया है और वो कैसे बना है, तो रिकॉर्डिंग देखे, उसमें उसको पूरी टेक्निक कवर की जा रही है। और अगर आप लैपटॉप पे नहीं देखना चाह रहे, आप मोबाइल पे देखना चाह रहे, तो मोबाइल की ऐप भी अलग से है, तो मोबाइल ऐप भी हम आपको दे सकते हैं, और उसमें आप जो है वो इन रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, हाउ द प्रोग्राम विल रियली वर्क, प्रोग्राम की डिटेल्स क्या है। तो सबसे पहले तो लाइव ऑन कैंपस एंड ऑनलाइन सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे, तो दोनों अवेलेबल हैं ऑप्शंस, ऑन कैंपस भी है और ऑनलाइन भी है, जैसे कि आपको भी डेमो भी अटेंड करें, कुछ हमारे पास ऑन कैंपस है, कुछ हमारे पास ऑनलाइन है पार्टिसिपेंट। इसके साथ जो मेन चीज है जिसके ऊपर हमने फोकस किया है वो है लर्न बाय डूइंग, जब तक डू नहीं होगा तब तक लर्न नहीं होगा, तो हम आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप जो है वो प्रैक्टिस करते हुए जाएं और साथ में जो है वो लर्न भी करते जाएं, और
उसी के थ्रू जो है आप अपने स्किल्स में शार्पन अप करें अपने स्किल्स को. ड्यूरेशन 2 मंथ्स है. क्लासेस इंशाल्लाह संडे 21 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी. 10 AM to 1 PM क्लासेस के टाइमिंग्स हैं. एवरी संडे 10 AM to 1 PM टोटल 8 सेशंस हैं और 8 सेशंस आपके जो है वो 2 महीनों में कवर किए जाएंगे. एवरी संडे क्लासेस होगी. प्रैक्टिस शीट्स एंड असाइनमेंट्स आपको 1 डे एडवांस में दे दी जाएंगी और इसके साथ साथ LMS का पोर्टल एक्सेस भी दे दिया जाएगा ताकि आप अपनी रिकॉर्डिंग्स को भी देख सकें. लेकिन ये रिकॉर्डिंग सिर्फ एज अ सपोर्टेड एलिमेंट है. मेक श्योर करें कि पहले लाइव सेशन जरूर अटेंड करें. ये ना हो कि सर मैं रिकॉर्डिंग ही देख लूंगा, लाइव सेशन को स्किप कर लेता हूँ. ये बहुत होता है, इसको हम रेकमेंड नहीं करते. हम रेकमेंड करते हैं कि एक्चुअल सेशन अटेंड करें, बिकॉज फायदा तो सेशन का है, रिकॉर्डिंग तो एज अ हेल्पिंग एड है आपके लिए. अच्छा, नाउ कम्स द स्पेशल ऑफर. हु इज वेटिंग फॉर इट? कोई वेट कर रहा है स्पेशल ऑफर का या कोई नहीं कर रहा है? स्किप कर दूं? सरकार ने अगर आप कहें तो मैं स्किप कर दूं. वैसे भी मुझे ये नोटिस आ रहा है यहाँ पे कि सर डेमो को जल्दी एंड कर दें, टाइम होने वाला है खत्म. तो फिर मैं स्किप कर देता हूँ डेमो की स्पेशल ऑफर को और आगे बढ़ जाता हूँ. क्या ख्याल है? अच्छा जी, यहाँ पे ट्रेंडिंग जवाब आ गया जी, डू नॉट स्किप. नो सर, नो सर. ओके, अब देखे मैं वैसे जो भी सवाल पूछूं उस पे खामोशी होती है. जब मैं स्पेशल ऑफर की मना कर देता हूं तो फिर जो है मैं क्विकली ट्रेंडिंग मैसेजेस आ जाते हैं, लेट्स गो लेट्स गो फॉर ऑफर सर. हाँ, तो मतलब ऑफर में जो है वो सबकी जो है ना वो वेटिंग वेटिंग शुरू हो जाती है, बाकी सवाल पे कोई भी नहीं होती. चले जी, ओके. सो द टाइम फॉर द स्पेशल ऑफर हैज कम फॉर यू ऑल. ऑब्वियसली यू हैव स्टेड विद अस थ्रू आउट दिस डेमो एंड वी वुड लाइक टू ऑफर आवर ग्रेटिट्यूड to you. We would like to appreciate you because आज आप में से कितने होंगे जिनको पहले भी हमने reminder भेजा होगा लेकिन आज शायद वो सोए हुए हैं या वो किसी commitment में, लेकिन आप तो अपना कीमती time हमारे लिए लेकर आए हैं. तो मेरा सिर्फ एक सवाल होगा offer के देने से पहले, उसका मैं जवाब जरूर आपसे जानना चाहूंगा. वो मेरा सवाल सिर्फ एक ये है कि जो आपने वो कीमती टाइम लगाया क्या आपका वो यूटिलाइज हुआ? जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, आपने जो अपना कीमती टाइम लगाया क्या वो यूटिलाइज हुआ? बिकॉज आई नो इट्स नॉट इजी टू कम ऑन संडे. ओके जी, चैट बॉक्स क्या बोलते हैं? यस सर, टोटली यूटिलाइज्ड. ओके, दैट्स ग्रेट. यस श्योर. ओके, ऑल राइट सायमा जी. ओके, बस ये हमारा, देखे ना, ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है कि आप अपना कीमती टाइम तो लेकर आए. हम चाहते थे कि आपको उस कीमती टाइम की रिटर्न में ऐसी नॉलेज दें, ऐसे स्किल्स दें जिससे आप अपने आप को एलिवेटेड फील करें. और इसी तरीके से अगले जो 8 सेशंस आ रहे हैं हमारे फाइनेंशियल मॉडलिंग के, उसमें भी हर एक एक सेशन में आपको लगेगा कि वाकई मैं जो टाइम लेकर आया हूं यहाँ पे, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा एलिवेटेड फील कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा एम्पावर्ड फील कर रहा हूँ, आज मैंने नई चीज सीखी है, बड़ी इंटरेस्टिंग. इस तरीके के मुकालमा, इस तरीके की कॉन्वर्सेशन आपकी एक अंदर हो रही होगी. ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हर सेशन में आप फील करें कि यार वाकई आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग था. तो इंशाल्लाह ताला जैसे हमारा डेमो इंटरेस्टिंग है, इसी तरीके से आगे जो हमारे सेशन हैं उसमें भी यही इंटरेस्ट लेवल रहेगा. बिकॉज हमें आपके वक्त की कदर है कि आप जो अपना वक्त निकाल के आ रहे हैं तो उसका हम रिटर्न आपको ऐसा दें कि आपको लगे कि यार वाकई आज कुछ नई चीज मिली है. तो नाउ सर, आपने वक्त बहुत जो है वो कदर कर ली, अब हमें उसकी कदर भी हो गई है. लेकिन अब आप जो है ना इस वक्त के हिसाब से अब हमें जल्दी से ऑफर दे दें ताकि हम जो है वो ऑफर का जो है वो इंतजार जो कर रहे हैं तो हमें पता तो चले कि ये ऑफर है क्या. तो नाउ कम्स द स्पेशल ऑफर फॉर फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस द ईयर 2024 इन विच यू विल बी अपग्रेडिंग योर सेल्फ एंड मेकिंग एज अ कॉन्फिडेंट financial analyst and financial modeler. Take admission and upskill yourself. What you'll be getting is 24 hours of blended learning. You'll be getting bonus chapters as well as budget forecasting, data handling with macros, inventory model, interview model, online LMS ki recording bhi aapko mil rahi hogi, lifetime WhatsApp community access bhi mil raha hoga aur ye sab aapko offer kiya jayega. 9800 mein nahi, aapko 18900 lamsam mein nahi, जस्ट सिंपल 8,800 रुपीज में. बिलीव मी, आप अगर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाए ना तो ये रेस्टोरेंट का बिल भी 15 से 20 हजार रुपए है, अच्छे रेस्टोरेंट में. मैं कोई वो लोकल उसकी नहीं बात कर रहा. 8,800 रुपीज टू मेक योर करियर
टू नेक्स्ट लेवल, बहुत ही अफोर्डेबल नॉमिनल प्राइस रखी हुई है ताकि आप ऑफर का फायदा उठाएं और अपने स्किल को अपग्रेड करें, बिकॉज पैसा भी नहीं है, मेन है वैल्यू, कि वैल्यू क्या मिली आपको। 8,800 पर मंथ एंड 17,000 लमसम फी, ये ऐसी ग्रैब टू गो ऑफर है जिसमें आज के महंगाई के दौर में, जहां पे आप अगर इवन डॉलर इतना महंगा हुआ हुआ है, लेकिन फिर भी हमने मैनेज करके इस फीस को बहुत ही उस हिसाब से अफोर्डेबल रखा हुआ है ताकि मैक्सिमम लोग फायदा उठाए, हमारा बुनियादी मकसद ये है। तो हरी अप, टेक एडमिशन, दिस एक्सक्लूसिव ऑफर विल एंड ऑन Tuesday, 16 January 2024 at 4 p.m. Make sure you register yourself now. अभी से अभी register करवा दें ताकि आप जो है वो benefit ले सकें इस training का। Register करवाने के बाद payment आप Tuesday तक कर सकते हैं। आपके पास 2 दिन extra है कि आप payment कर सकते हैं। तो registration का link आपको chat box में share कर दिया जाएगा हमारी team member से। ये हमारा register for online registration होती है और इसके साथ साथ mode of payment obviously online भी है, direct है, आप bank में deposit कर दें, जैस कैश है, या फिर आप हमारे इंस्टीट्यूट को विजिट करके इंस्टीट्यूट में भी पैसे जमा करा सकते हैं। दैट्स आल्सो अवेलेबल फॉर यू, ऑल द ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर यू एंड वी रियली आर अवेटिंग टू वेलकम यू एट यूएक्सएल, जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर। ये हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, ये हमारा ऑफिस एड्रेस है, अलसमर टावर, ब्लॉक 13 बी, मेन यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल, कराची में। और इसके साथ साथ हम आपको वंस अगेन थैंक यू करना चाहते हैं कि आपने अपना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला, और हम चाहते हैं कि हम आपको वेलकम करें नेक्स्ट वीक और आपकी जो लर्निंग है उसमें इजाफा करते जाएं इंशाल्लाह ताला, ताकि आप अपने आप को एलिवेटेड फील करें और आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करें जब आप एक्सेल में काम कर रहे हो, पर्टिकुलरली विद रिगार्ड्स टू फाइनेंशियल मॉडलिंग। विद दैट, थैंक यू सो मच एंड द फ्लोर इज ओपन नाउ फॉर एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव।